हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर के। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली सैंपल्स पैक देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली किसी भी सॉन्ग को रिमिक्स कर सकते हैं। तो आपको अगर इस सैंपल्स पैक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जल्दी से एक लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पर क्लिक करके एक जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको एक पासवर्ड मिलेगा, वहाँ पे वो पासवर्ड डालनी कहाँ से है, वो आपको पासवर्ड पता कैसे चलेगी। तो गाइस, इस वीडियो को जो भी कंप्लीट देखेगा उसे ही सिर्फ पासवर्ड मिलने वाली है, क्योंकि आप वीडियो को देखते नहीं हैं, सिर्फ सैंपल पैक ले लेते हैं और मेरा वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपको अगर पासवर्ड चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो किस तरह का सैंपल्स पैक आपको मिलने वाला है वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, और पासवर्ड भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आपको वहां से डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस तरह से अपने डिस्क डीजे के अंदर उसे लोड करनी है और किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप डेस्कटॉप पर यूज करना चाहते हैं तो वर्चुअल डीजे है, उसके अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। मैं आप बोलिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं आपको लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। साथ ही आप एफ एल स्टूडियो अगर आप सॉन्ग रिमिक्स करना चाहते हैं तो एफ एल स्टूडियो पर भी इस सैंपल पैक का यूज कर सकते हैं किसी भी सॉन्ग को रिमिक्स करने के लिए। तो चलिए फटाफट से उस सारे सैंपल पैक को मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो मैंने दिया है उस पर क्लिक करके आप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे उसे लोड करनी है डिक्स डीजे के अंदर। अगर आप एफ एल स्टूडियो और वर्चुअल डीजे के अंदर अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अभी डिक्स डीजे पर मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सैंपल पर क्लिक कर देनी है। सैंपल पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ये दोनों साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चैनल वन में इसे लोड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको लोड पे क्लिक कर लेनी है। लोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जितने भी सैंपल पैक आपको नजर आ रहे हैं ये एक फाइल है, इसके अंदर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो बहुत सारे सैंपल पैक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप इन सारे सैंपल पैक चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद आपको डिक्स डीजे पर जितने भी सैंपल पैक हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देनी है। इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो फाइल अभी डाउनलोड करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको उसे सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा आ जाएगा इंपोर्ट 10 फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लोड हो चुका है डिक्स डीजे के अंदर, अब आपको इसे इम्पोर्ट करनी है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए वही फाइल आपको यहाँ से दोबारा से सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फाइल मैं यहाँ पे खोज लेता हूँ कहाँ पे है वो फाइल। फाइल हाँ यहाँ पे है, ये फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, ये कुछ सैंपल्स पैक हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे, तो यहाँ पे इसे लोड कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो 6 बॉक्स है ये सारा लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी बजा करके मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, मैं उससे बचना चाहता हूँ। तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एक जिप फाइल मिलेगा आपको, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और पासवर्ड है आपका 101। ठीक है फ्रेंड्स, 101। तो जल्दी से उसे डालिए और यूज कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।